तो गाइज अभी आपने जो देखा है बिजली कड़कने वाले ये आर्टिफिशियल बादल जिसको मैंने आज के वीडियो में बनाया है। और गाइज बहुत ही आसानी से आप एलईडी लाइट का यूज करके इसको बना सकते हो। और गाइज खास बात ये है कि ये बादल डायरेक्ट 220 वोल्टेज एसी से चलते हैं और इसको आप किसी भी बल्ब होल्डर में लगा सकते हो। और इसको बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है, आप वीडियो को एंड तक देखिए, आप आसानी से घर बैठे इसको बना सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइज इसको बनाने के लिए हमें कोई बड़े एलईडी बल्ब की ज़रूरत पड़ेगी। आप कोई भी पुराना एलईडी बल्ब ले सकते हो या आप कोई डेकोरेशन बल्ब भी ले सकते हो। जैसा कि आप देख पा रहे हो ये एक दिवाली डेकोरेशन लाइट है जिसका मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ, या आप कोई भी जो नॉर्मल एलईडी बल्ब आता है ख़राब एलईडी बल्ब उसका यूज़ कर सकते हो। अब गाइज मैं ले रहा हूँ 12 वोल्ट डीसी से चलने वाली एलईडी लाइट जो कि डिफरेंट कलर में है। जैसे कि आप देख पा रहे हो ये ब्लू, रेड और येलो कलर में है। आप कोई दूसरा कलर भी ले सकते हो, लेकिन अगर आप बादल बनाना चाहते हो तो आप स्पेशली ब्लू कलर का यूज़ करें। अब गाइज मैं ले रहा हूँ ब्रिज जिसकी पिन आउट आप देख सकते हो, या आप 1N4007 डायोड से भी ब्रिज रेक्टिफायर बना के यूज़ कर सकते हो। इसके अलावा हमें चाहिए BC547 ट्रांजिस्टर जिसकी पिन आउट भी आप देख पा रहे हो, और इसके अलावा चाहिए हमें दो कैपेसिटर 470 माइक्रोफेड 25 वोल्ट के और 100 के दो रजिस्टर। अब गाइज इसका पूरा सर्किट बना लेते हैं जो कि बहुत ही छोटा सा सर्किट है, और इसका पूरा सर्किट डायग्राम आपको वीडियो में मिल जाएगा डिटेल में, जिसे देखकर आप आसानी से इसको बना सकते हो। और गाइज अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि इस चैनल पर आपको रोज़ ऐसी इंटरेस्टिंग और यूजफुल प्रोजेक्ट की वीडियो आगे भी मिलती रहेगी। इसके अलावा आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो, इंस्टाग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। इंस्टाग्राम पर आपको सारे प्रोजेक्ट के सर्किट डायग्राम अवेलेबल हो जाएंगे। तो गाइज ये सर्किट पूरा बन चुका है, अब हमें सिर्फ कनेक्शन करना है। तो निगेटिव आप ब्रिज के निगेटिव से कॉमन ले सकते हो, बाकी पॉजिटिव दोनों लाइट के लिए अलग अलग जो BC547 ट्रांजिस्टर है उनके कलेक्टर से लेना है, जिससे कि दोनों एलईडी लाइट को अलग अलग पॉजिटिव सप्लाई मिलेगी। बाकी आप इसकी कनेक्शन की पूरी डिटेल सर्किट डायग्राम से आसानी से समझ सकते हो। तो चलिए गाइज मैं जल्दी से इसके सारे कनेक्शन कर लेता हूँ। अब गाइज इसके एसी इनपुट के कनेक्शन देख सकते हो, एक वायर हमें डायरेक्ट ब्रिज के पॉजिटिव के साथ कनेक्ट कर देना है और दूसरा वायर जहाँ पे दोनों 100 के रजिस्टर जुड़े हुए हैं वहाँ पे दे देना है। तो आप देख सकते हो एसी के दोनों कनेक्शन हो चुके हैं। अब गाइज मैं ले रहा हूँ एक DOB जो कि डायरेक्ट 220 वोल्टेज एसी से चलती है एलईडी लाइट है, तो इसको मैं सीधा एसी के वायर के साथ ही जोड़ देता हूँ। तो गाइज अब कनेक्ट करते हैं एलईडी लाइट्स को। तो मैं यहाँ पे 4 एलईडी लाइट्स लिए जो कि 12 वोल्ट की है, तो इनको लगाने के लिए पहले मैं एक PVC शीट का पीस कट कर लिया हूँ। तो इसको यहाँ पे हम फिक्स कर लेते हैं बराबर, ताकि इसके ऊपर हम चारों लाइट्स को आसानी से लगा सकते हो। यहाँ पे मैं दो दो लाइट का कनेक्शन करूँगा दोनों चैनल पे। यहाँ पे आप एक एक लाइट का भी यूज़ कर सकते हो या दो दो भी लगा सकते हो। तो मैं हॉट ग्लू से यहाँ पे इनको अच्छी तरह फिक्स कर देता हूँ। और गाइज ये लाइट्स 12 वोल्ट DC से चलती है, बिल्कुल भी हीट नहीं होती है, और छोटा सा इनके पीछे हीट सिंक भी लगा होता है, अलग से लगाने की हमें कोई भी आवश्यकता नहीं है, और वैसे भी ये बहुत ही कम हीट होती है। तो गाइज आप देख सकते हो मैंने दो लाइट को एक साथ पैरेलल में कनेक्ट किया है एक चैनल के लिए, और दूसरे चैनल के लिए मैंने यहाँ पे एक लाइट का यूज़ किया है, क्योंकि चारों लाइट लगाने के लिए यहाँ पे इतना स्पेस है नहीं, क्योंकि हमने यहाँ पे DOB लगा रखी है तो स्पेस पूरा कवर हो गया। तो आप देख सकते हो जो BC547 ट्रांजिस्टर है उनके कलेक्टर से हमें जो LED लाइट्स है उनको पॉजिटिव सप्लाई देना है। तो चलेगा इसी के साथ कनेक्शन तो सारे कंप्लीट हो चुके हैं, और इसको हम LED लाइट्स केप के अंदर हमें फिक्स करना है। तो सबसे पहले मैं इसको सेलो टेप से अच्छी तरह कवर कर देता हूं ताकि ये कहीं पे भी शॉर्ट सर्किट ना हो। इसके अलावा सप्लाई ऑन करने के बाद में आपको सर्किट को कहीं पर भी टच नहीं करना है, नहीं तो आपको बिजली का झटका लग सकता है। तो गाइस सर्किट में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई है, वैसे इसको प्रॉब्लम तो नहीं कह सकते, लेकिन जो हमने DOB लगाई थी उसको हटाना पड़ेगा, क्योंकि इसकी लाइट बहुत ही ज़्यादा तेज है, और इसकी वजह से जो बाकी लाइट्स हैं इनका बिल्कुल भी इफेक्ट नज़र नहीं आ रहा है। तो इसलिए इनको हटा के यहाँ पे 12 वोल्ट की लाइट ही लगाएंगे। तो आप देख सकते हो मैंने दोनों चैनल पर दो दो लाइट को लगा दिया है, और अब इसकी टेस्टिंग कर लेते हैं और मैं आपको इसका इफेक्ट भी दिखा देता हूँ। तो आप देख सकते हो मैंने इसको सीधा 220 वोल्टेज एसी से कनेक्ट कर लिया है, और आप इसका इफेक्ट देख सकते हो। बाहर की साइड दोनों साइड ब्लू लाइट को रखा है और अंदर की साइड रेड और येलो लाइट है।
और ये देख सकते हो गाइज इसका सर्किट डायग्राम जो मैंने बहुत ही सिंपल तरीके से बनाया है, आप आसानी से इसको देख के समझ सकते हो। अब गाइज इसको मैं आपको टेस्ट करा देता हूँ कि ये 220 वोल्टेज सप्लाई दी गई है, नहीं तो कुछ भाई इसको फेक बताएंगे। तो आप देख सकते हो ये 100 वाट का बल्ब है जो कि डायरेक्ट 220 वोल्टेज एसी से चलता है और इसी में हम इस डायरेक्ट लाइट को सीधा लगा रहे हैं। अब गाइज हमें बादल का इफेक्ट लाने के लिए यहाँ पे चाहिए कॉटन, तो आप देख सकते हो, और इनको मैं यहाँ पे हॉट ग्लू की मदद से छोटे छोटे टुकड़ों में करके यहाँ पे चिपका देता हूँ। तो आप इनको अपने हिसाब से किसी भी डिज़ाइन में यहाँ पे चिपका सकते हो। तो गाइज मैंने कॉटन अपने हिसाब से अच्छी तरह लगा दिया है और अब आप इसका इफेक्ट देख सकते हो, बिल्कुल ही रियलिस्टिक दिख रहा है। अब मैं अंधेरा करके आपको एक ही इसकी पूरी टेस्टिंग दिखा देता हूँ। तो गाइज आप देख सकते हो बहुत ही तगड़ा इसका इफेक्ट आ रहा है और बिल्कुल आपको रियल बादल की यहाँ पे फील होगी। तो गाइज मुझे कमेंट करके जरूर बताना आपको ये प्रोजेक्ट कैसा लगा, और आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नए प्रोजेक्ट में, तब तक के लिए आपका धन्यवाद।